क्या राय, क्वेश्चनिंग अरविंद केजरीवाल से करी जा रही है, उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या के कविता से के संबंध में वो कुछ जानते थे दिल्ली लेकर पॉलिसी में, जब के कविता को भी अभी ईडी ने हैदराबाद से अरेस्ट किया था, तो अरविंद केजरीवाल के घर आज ईडी पहुंची है। और साथ में आपको समझने की जरूरत है कि सर्च भी अरविंद केजरीवाल के घर का हो रहा है। बलराम, ये बड़ा डेवलपमेंट है, तो के कविता का अरेस्ट कुछ ही समय पहले हुआ था और अब सूत्र ये बता रहे हैं कि ईडी की टीम के कविता के संबंध में अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछ रही है। तो क्या बलराम ये समझा जाए कि अब लॉजिकल स्टेप, अगर कोऑपरेशन नहीं होता है तो ये अरेस्ट ही लॉजिकल स्टेप होगा बलराम? बिल्कुल, देखिए प्रदीप, उसकी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश पहले से ही ईडी कर रही थी और जिस तरीके से ईडी ने कहा था कि चाहे वो अरुण पिल्लई हो, चाहे वो अभिषेक बोइनपल्ली हो, चाहे बुची बाबू हो, इन लोगों ने साउथ लॉबी का प्रतिनिधित्व किया था और इन्हीं को गिरफ्तार करने के बाद जब ईडी ने पूछताछ शुरू की और जब पूछताछ की तो कई कड़ियां जुड़ती हुई नजर आई। इन लोगों ने बताया कि जो के कविता हैं, बीआरएस की नेता हैं, उन्होंने काफी ज्यादा बातचीत करके जो लीकर पॉलिसी है उसमें बदलाव कराया था और यही वजह है कि वो काफी ज्यादा इस पूरे मामले में सक्रिय रही और इस साउथ लॉबी से वो लगातार संपर्क में रही। इसीलिए जो गवाह हैं उनके आधार पर के कविता के घर पर ईडी की टीम पहुंची और उसके बाद उनसे पूछताछ की और पूछताछ में जो तथ्य निकल के आए उसी के आधार पर के कविता की गिरफ्तारी हुई और जब के कविता की गिरफ्तारी हुई तो उसके बाद उन्हें दिल्ली लाया गया और कोर्ट में पेश करने के बाद उन्हें 10 दिन की रिमांड मांगी गई लेकिन कोर्ट की तरफ से 7 दिन की रिमांड मिली और उसके बाद जब ईडी ने उनसे पूछताछ किया तो आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में ईडी ने एक प्रेस रिलीज जारी की। जी, ईडी ने प्रेस रिलीज जारी करी और ईडी ने स्पष्ट कहा। बिल्कुल बलराम, आप बड़ी बात कह रहे हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जिस पे मैं फोकस कर रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल के घर पे हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट, अरविंद केजरीवाल के घर पे हैवी पैरामिलिट्री फोर्स डिप्लॉयमेंट, ईडी की एडिशनल टीम वहां पहुंची है, बड़ी टीम ईडी की पहुंची हुई है और उसके साथ में के कविता के संबंध में सवाल पूछा गया है और इसी के संबंध में सौरभ भारद्वाज का बड़ा दावा है कि सीएम आवास में किसी को फोन पे बात नहीं करने दी जा रही, किसी के पास फोन नहीं है, ये बहुत बड़ा दावा है। तो नीरज, क्या और एडिशनल फोर्सेज आई है? एक बार मैं नीरज के पास आऊंगा, सुनिए सौरभ भारद्वाज का क्या बड़ा दावा है। शुरू में कहा जा रहा था कि सिर्फ संबंध देने आए हैं मगर मुझे लगता है कि ये बात झूठ है। संबंध देने का सिर्फ एक बहाना है, अंदर सर्च चल रही है। मुख्यमंत्री जी के और उनके ऑफिस के लोगों के पास फोन का एक्सेस नहीं है, बिना फोन के हैं। मतलब बिना फोन की बात की गई है। नीरज, नीरज मैं वापस से नीरज के पास जाना चाहता हूं। नीरज, क्या हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट है, क्या और फोर्सेस आ चुकी है, क्या उतनी फोर्सेस है जितनी एक घंटे पहले थी, क्योंकि अब 1.5 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है पूछताछ में। नीरज जरा दिखाइए जमीन पे क्या चल रहा है वहां पे। देखिए प्रदीप, आप देख सकते हैं यहाँ है, उसको लगातार यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान है, जो सीआरपीएफ है, जो दिल्ली पुलिस है, जो आरएएफ, जो अलग अलग जो टुकड़ियां हैं जो यहां पर मंगवाई गई हैं और इसी के साथ जो अलग अलग कंपनियां हैं वो यहां पर मुस्तैद की गई है, जो आरएफ के जवान हैं उनको भी यहां पर मुस्तैद किया गया है और आप भरी संख्या में आप देख सकते हैं कि जो महिला हैं वो भी यहां पर कमांडो के रूप में यहां पर तैनात की गई हैं और वहीं इसी के साथ में जो दिल्ली पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं, जो डिस्ट्रिक्ट के जो डीसीपी हैं मनोज मीणा, वो खुद यहां पर पहुंचे हुए हैं और वहीं जो अपने उनको यहां पर दे रहे हैं। वहीं इसी के साथ जो महिला कार्यकर्ता हैं वो भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। लगातार इस जो कार्रवाई हो रही है ईडी की उसका विरोध आप यहां पर आप देखेंगे, ये हलचल जो है लगातार यहां पर बढ़ रही है, कार्यकर्ताओं की जो संख्या है वो भी यहां पर लगातार बढ़ रही है। ये सब यहां पर जो दृश्य है अभी फिलहाल यहां पर बने हुए हैं पर लगातार जारी है कि विरोध किया जाए और जिस तरीके से जो मंत्री हैं दिल्ली सरकार के वो बार बार कह रहे हैं कि ये जो पूरा एक्शन है ये राजनीति से प्रेरित है और उसी को लेकर कि ये पूरी जो एक्शन है ये पुलिस की तरफ से जो कि ईडी की तरफ से यहां पर किया जा रहा है। जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का वहां पे जो है जुड़ाव काफी हो गया। नीरज वहां जा रहे, किसी से बात करें। नीरज, नीरज